उभरते हुए अदाकार अजान अस्वद हारून ने दावा किया है कि मारूफ अदाकारा नाजिश जहांगीर ने उन्हें शोबिज इंडस्ट्री में मुतारिफ कराने का झांसा देकर न सिर्फ उनसे रकम बटोरी बल्कि उनसे गाड़ी भी ली और उन पर तशद्दुद भी करवाया। अस्वद हारून ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि कुछ साल कबल उन्होंने पहली बार नाजिश जहांगीर के साथ एक टेलीफिल्म की थी जिसके बाद उनके दरमियान दोस्ती हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान नाजिश जहांगीर ने उन्हें बड़े टीवी चैनल्स और अच्छे ड्रामे के तहत शोबिज में मुतारिफ कराने का झांसा दिया और उनसे रकम बटोरना शुरू कर दी। अस्वद हारून ने दावा किया कि नाजिश जहांगीर ने पहले उनसे 15 लाख और बाद ऐसा मजीद रकम का मुतालबा किया जबकि अदाकारा उनसे महंगे तहाइफ की फरमाइशें भी करती रहीं और उनसे महंगी चीजें दिलवाने का मुतालबा भी करती रहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बाद अजान नाजिश जहांगीर ने उनसे बहाने करके गाड़ी मांगी और उन्होंने अदाकारा को 55 लाख रुपए मालियत की होंडा कार दे दी जबकि उसके बाद भी वो अदाकारा को चीजें और तहाइफ दिलाते रहे। उनके मुताबिक नाजिश जहांगीर उनसे कभी दुबई तो कभी लंदन और कभी लाहौर और कराची के एयर टिकट्स भी मंगवाती रहीं और उन पर अंधा एतबार करके उन्हें वो हर चीज देते रहे। अस्वद का कहना था कि बाद अज़ा काफी अरसे बाद जब उन्हें शोबिस में मुतारिफ ना कराया गया तो उन्होंने अदाकारा से पैसों की वापसी का मुतालबा किया जिस पर अदाकारा ने उन्हें एक फार्म हाउस में बुलाया जहाँ मुतअद्दिद असलहा बरदार अफराद ने उन्हें यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्वद हारून के मुताबिक उन्हें उनके मैनेजर्स और ड्राइवर्स ने फार्म हाउस से बाजियाब करवाया जिसके बाद उन्होंने नाजिश जहांगीर के खिलाफ डिफेंस ही थाने में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें पैसों और गाड़ी का भी जिक्र किया गया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते ही खबर सामने आई थी कि लाहौर की सेशन कोर्ट ने फ्रॉड के मुकदमे में अदालत में पेश न होने पर नाजिश जहांगीर की जमानत खारिज कर दी। अपने खिलाफ फ्रॉड के मुकदमे की खबर सामने आने और उभरते हुए अदाकार अस्वद हारून की जानिब से इल्जाम लगाए जाने के बावजूद ताहाल अदाकारा ने कोई बयान जारी नहीं किया। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।